एमवे बिजनेस के बारे में कहा जाता है दिस बिजनेस इज नॉट ऑब्वियस। एक्चुअली जब कोई भी बंदा इस बिजनेस को पहली बार देखता है तो जो उसको ये समझ में आता है बिजनेस, ये उससे बहुत ही डिफरेंट निकलता है। मैंने जब इस बिजनेस को पहली बार देखा था फर्स्ट टाइम, तो जो मुझे इस बिजनेस के बारे में समझ में आया था और जो समझ के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, वो ये बिजनेस बाद में नहीं निकला। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस बिजनेस को समझते गए, ये चेंज होता गया। अब हम बहुत सारे नए लोगों को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, और जो नए लोग हमें मिलते हैं उनमें से कुछ लोगों के ओपिनियन कुछ और हैं, कुछ लोगों के ओपिनियन कुछ और हैं, कुछ लोगों के ओपिनियन कुछ और होते हैं, कुछ लोग न्यूट्रल हैं, वो कहते हैं यार हमें ज़्यादा नहीं पता, हाँ यार ये इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी देर से चल रहा है, बहुत देर से पहले भी सुना था, बाद में भी सुना, लेकिन पूरी तरह क्लियर होते ही नहीं है ये क्या हो रहा है। और बहुत सारे क्वेश्चन मन में आते हैं, ऐसे क्यों सामान बिकता है, कैसा इनका प्रोडक्ट है, ये क्या करते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत पॉजिटिव, उन्होंने सामान यूज़ किया होता है, कहते हैं यार प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं इनके, प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है बहुत बढ़िया है, लेकिन बाकी समझ में नहीं आया। और फिर कुछ अलग तरह के लोग होते हैं जो बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं इस बिज़नेस के बारे में, उनका ये सोचना होता है कि ये बिज़नेस सही नहीं है, इनका करने का ढंग सही नहीं है, ऐसे क्यों करते हैं, नेगेटिविटी होती है उनके माइंड में, ये रॉन्ग है, ये बहुत ही महंगा सामान बेच देते हैं और ये गलत तरीके से बिल्ड करते हैं, ये तरीका नहीं है, लोगों को लोअर करते हैं। एक्चुअली उनकी कोई गलती नहीं है, उनके मन में जो नेगेटिविटी नेगेटिव थॉट्स हैं उसके कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि उन्हें जिस बंदे ने कभी इस बिज़नेस के बारे में बताया, तो उस बंदे ने जो बताया था उसको शायद बताना ही नहीं आया, उनको समझाना ही नहीं आया, और उन्हें समझ में नहीं आया, वो जो उसने बताया उसी के हिसाब से वो सोच रहे हैं। या हो सकता है वो किसी एक बड़ी मीटिंग में चले गए हों और उस मीटिंग में हो सकता है उस मीटिंग का एजेंडा ही कुछ अलग हो, उसका टॉपिक ही कुछ अलग हो, नए बंदों के लिए इतनी सूटेबल नहीं थी वो मीटिंग, और वहाँ पे जो देख के आ गए उससे उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, यार बड़ा शोर मच रहा है, बड़ी एक्साइटमेंट है, इतना रोड़ा के बातें हैं, ये सब बातें सोच के वापस आ गए और उन्हें बात समझ में नहीं आई कि एक्चुअली बिजनेस मॉडल क्या है। अब जब चाहे जितना मर्जी नेगेटिव बंदा हो, जब वो हमारे पास आते हैं और हमारे साथ बैठ के थोड़ी देर हमारी उनसे बात होती है, तो उसके बाद क्या होता है, वो 100% हमें हर मीटिंग के बाद वो हमें कहते हैं, अरे यार हमें एक्चुअली ये तो किसी ने नहीं बताया, ये बात हमें अब समझ में आई है, तो वो क्या सोच रहे थे और हमने उन्हें क्या बताया, वही बात है समझने की, और वो नेगेटिव क्यों थे। इस बिजनेस के अंदर जो बेसिक मॉडल है वो बहुत ही सिंपल है, कंपनी सामान बता रही है उसको बेचना चाह रही है, प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही एक्सलेंट क्वालिटी के, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और बहुत ही वाजिब रेट है उनके। आपको मैं एक बात बता दूँ बड़ी क्लियरली, कोई भी बंदा किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज़्यादा रेट रख के उसको लंबे समय तक नहीं बेच सकता। एमवे बिजनेस के जो प्रोडक्ट कंज्यूम होते हैं उनमें से 80% जो कंजम्पशन होती है वो लोग उस प्रोडक्ट को लेते हैं जो कि इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और अगर प्रोडक्ट के रेट ज़्यादा होंगे या क्वालिटी लो होगी तो एक बार कोई ले जाएगा लेकिन रिपीट ऑर्डर नहीं आएंगे। एमवे बिजनेस के प्रोडक्ट में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसके रिपीटिव ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते हैं, रिपीट ऑर्डर्स, दोबारा दोबारा लोग इसको लेना चाहते हैं, बल्कि लोग इतने फैन हो जाते हैं इन प्रोडक्ट के वो इनको छोड़ना नहीं चाहते। और प्रोडक्ट भी कैसे, सिंपल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कपड़े धोने का प्रोडक्ट एसेट, सिंपल लॉन्ड्री डिटर्जेंट है लिक्विड, उससे कपड़े धोते हैं, लेकिन लोगों का इतना फेवरेट प्रोडक्ट बन चुका है कि लोग कहते हैं कि यार कपड़े धोने तो एसेट से ही धोने हैं, और वो लोग जिनको इस बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं, बिजनेस उनको नहीं करना है, उनको प्रोडक्ट चाहिए। इसी तरह से डिस्ट्रॉप्स, बर्तन धोने का प्रोडक्ट जो कि फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, उसको लोग यूज़ करते हैं और लोग कहते हैं यार जो पहले हम प्रोडक्ट यूज़ करते थे उससे हमारी स्किन खराब हो जाती थी, ये हो जाता था, वो हो जाता था, और जब हमने डिस्टॉप को यूज़ किया तो कमाल हो गई, और वो लोग डिस्टॉप के इतने फैन हो जाते हैं कि वो बर्तन धोने का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं। इसी तरह से हर प्रोडक्ट एमवे बिजनेस में जो भी है वो अपने दम पे बिकता है, अपनी क्वालिटी की वजह से बिकता है, अपने रेट की वजह से बिकता है, लोगों को प्रोडक्ट पसंद है, उस रेट पे पसंद है, इसीलिए प्रोडक्ट बिकते हैं। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि कंपनी प्रोडक्ट बना रही है ऐसे प्रोडक्ट जो कि मार्केट में एक्सेप्ट हो जाते हैं और बिकते हैं, तो इसमें नेगेटिव सोचने की तो कोई बात ही नहीं है, प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कंपनी बना रही है, उसको बेचना चाह रही है, और वो एक ऑर्डिनरी आदमी को, मेरे जैसे बंदे को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो इस में बिजनेस कर सकते हैं।
अपना ओन बिजनेस अपने घर से होम बेस्ड, इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ही नॉमिनल है और कंपनी का 90 डेज कूलिंग ऑफ पीरियड ये कहता है कि किसी नए बंदे ने ज्वाइन किया तो 90 दिन के अंदर वो जितना भी कुछ भी सामान ले लेगा, उसको मान लो 85 डेज हो गए, उसको लगा कि यार ये बिजनेस तो मेरे बस का नहीं है, पूरा प्रोडक्ट उठाओ कंपनी को जाके वापस दो, अपने वैसे वापस ले लो। कितना जबरदस्त पॉलिसी बना के कंपनी अपना सामान बेच रही है, आप पूरे पैसे वापस ले सकते हो। 90 डेज के बाद क्या होता है, हमारे जैसे जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं हर एक बंदे को 30 डेज मिलते हैं, प्रोडक्ट रिफंड गारंटी पे मिलता है, सेटिस्फेक्शन गारंटी पे आप प्रोडक्ट वापस कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे फेथ है और इस तरह की पॉलिसीज के साथ वो प्रोडक्ट बेच रही है, रिफंड गारंटी, कूलिंग ऑफ पीरियड। जब आपको ये बातें समझ में आती है और एक ऑर्डिनरी बंदा बहुत ही थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगा के इस बिजनेस को अपने घर से होम बेस बिल्ड कर सकता है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, सिक्योर्ड सेफ सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब थी मेरे पास, मैं पंजाब गवर्नमेंट जॉब कर रहा था जब मैंने इस बिजनेस को देखा। मैंने इस बिजनेस को बहुत ही रिलक्टेंटली स्टार्ट किया, एक साल पूरा पार्ट टाइम इसको बिल्ड किया और एक साल पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ बिल्ड करते हुए ये बिजनेस मेरे लिए इतना बड़ा हो गया कि मैंने उस जॉब से रिजाइन कर दिया, वो जॉब किसी और को मिली, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया इस बिजनेस के अंदर। तो इस बिजनेस ने मेरे जैसे एक बंदे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर हो गया और वो जॉब किसी और को मिलेगी, नेचुरली मैंने जब जॉब छोड़ दी। हमारे साथ काफिला बढ़ने लगा, लाइक माइंडेड लोग आने लगे, बिजनेस बड़ा होने लगा और बहुत सारे लोग आते गए और फिर हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दी, जॉब के साथ बिजनेस को बिल्ड किया और जॉब से रिजाइन कर दिया बिल्ड करते हुए। जो मेरे को इस बिजनेस के बारे में समझ में आया, इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं, नेट नेट क्या है, नेट नेट ये है कि देखो कंपनी 60 साल से मोर देन 100 कंट्रीज में अपना सामान बेच और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है इंडिया में। मदुराई में जो एमवे का प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और एडवांस प्लांट है जो 65 एकड़ लैंड के ऊपर बना हुआ है, 650 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, अबाउट 500 एम्प्लॉइज वहाँ पे काम करते हैं, इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। पूरे इंडिया में हर स्टेट के अंदर कंपनी के ऑफिस खुले हुए हैं, एक बहुत बड़ा हेड ऑफिस है गुड़गांव में, बहुत सारे एम्प्लॉय पूरे इंडिया में काम करते हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वेबसाइट के ऊपर इतना पैसा खर्चा जाता है, ऐप्स बनाई जाती हैं, लर्निंग मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, ये सारा कुछ करके कंपनी प्रोडक्ट बना के और हमारे को एक अपॉर्चुनिटी देती है एक आम आदमी को कि वो इसके अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके बिल्कुल ही नॉमिनल इन्वेस्टमेंट के साथ। अब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है और उन प्रोडक्ट्स को अपने सॉफ्ट सर्कल में हम लोग सेल भी कर सकते हैं। मेन एक्टिविटी इस बिजनेस में क्या है कि हम लोग टीम्स बनाते हैं, डिफरेंट टीम्स बनाते हैं, ये बंदा ये बंदा ये बंदा ये बंदा अपने साथ इनको अटैच किया, इन लोगों को इस बिजनेस को टीच किया। दिस बिजनेस इज अबाउट टीचिंग अदर पीपल हाउ टू डू दिस बिजनेस, टीचिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, टीचिंग अबाउट द बिजनेस मॉडल, टीचिंग अबाउट पीपल स्किल्स, टीचिंग अबाउट द लीडरशिप स्किल्स, वो सब सिखाते हुए हम अपने साथ जो लोग जुड़ते हैं उन लोगों को कामयाब बनाते हैं, वो लोग अपनी अपनी टीम्स बिल्ड करते हैं हमारी मदद के साथ। मान लीजिए मैंने 4 टीम्स बिल्ड की, किसी बंदे ने 4 टीम्स बिल्ड की और ये 4 टीमों के अंदर करीब 2.5 लाख रुपए महीने की सेल होने लग गई, इसमें भी 2.5 लाख रुपए महीने की सेल होती है, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं उस टीम में, हो सकता है उस टीम में 10 लोगों 20 लोगों 40 लोगों, लोगों से मतलब नहीं है, लोगों की गिनती से कुछ नहीं होगा, सेल कितनी हुई इन 4 टीमों में, मान लो 2.5 लाख रुपए की सेल होती है, तो जो इनका टीम लीडर है जो इन 4 टीमों को लीड कर रहा है वो 10 लाख रुपए की सेल के ऊपर पैसे कमाता है, 10-10.5 लाख के ऊपर क्वालिफाइड बिजनेस हो जाता है, टॉप ऑफ द बिजनेस परसेंटेज लेवल 21% लेवल है, टॉप लेवल वहां पहुंच जाता है और ये 4 टीम 2.5 लाख की सेल कर रही है। वो बंदा जो इनको लीड करता है, अगर ये टीम्स कंसिस्टेंटली बिहेव करती हैं, अगर ये पूरे 12 महीने सेम वॉल्यूम करती हैं तो एक साल में 15-18 लाख रुपए कमाते हैं एज टीम लीडर, और ये टीम जैसे जैसे और ऊपर बढ़ेगी तो उसकी इनकम और ऊपर बढ़ेगी। देयर इज नो लिमिट टू हाउ मेनी टीम्स यू कैन मेक, अब मैंने 4 बताई, आप 6, 8, 10, 12, 20 जितनी मर्जी टीम बना सकते हो। तो ये बिजनेस आपकी अपनी मर्जी पे है, आप जो चाहो कर सकते हो,
जितनी चाहो उतनी टीम्स बना सकते हो, और ये टीम जैसे जैसे इंडिपेंडेंट होने लगती है, ये खुद सीखने लगती है। जैसे मेरे को किसी ने बिजनेस बताया, मैंने उनके बताने से इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, मैंने इस बिजनेस को सीखा, मैं इस बिजनेस को उनकी हेल्प के साथ सीखा, खुद अपने आप भी सीखा, उन्होंने मेरे को गाइड किया, मैंने भी सीखा। अब हमने इस बिजनेस को इतना बड़ा कर दिया, तो वो जो जिन्होंने हमें बिजनेस दिखाया था उनका भी तो ये बिजनेस है। तो दैट इज द अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, दैट इज द अमेजिंग नेचर ऑफ दिस बिजनेस, कि जो आप ये टीम बनाते हो बाद में उनके साथ मिलकर वॉल्यूम बिल्ड करते हो। तो जैसे इस बिजनेस में इतने सारे लोग हैं, तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा फन भी है, क्योंकि लोगों के साथ बहुत मजा आता है। तो बेसिकली इस बिजनेस में नेगेटिविटी जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाया है, अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा लॉस कंपनी होगा, बिक गया तो प्रॉफिट हमें होगा। बना बनाया प्रोडक्ट, बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिल रहा है। इस बिजनेस में कोई सिर्फ तभी फेल हो सकता है अगर वो ये टीम बिल्ड नहीं कर पाएगा। अगर टीम बिल्ड नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली वो पैसे नहीं कमा सकता। अब अगर टीम बिल्ड नहीं कर पाया और लोग बिल्ड कर रहे हैं, जो नहीं कर पाया वो कंपनी की गलती थोड़ी है। जो बंदा टीम बिल्ड नहीं कर पाया वो उसकी अपनी गलती है। इसमें कंपनी को ब्लेम देना या किसी अपलाइन को ब्लेम देना या इस सिस्टम को ब्लेम देना या इस मॉडल को ब्लेम देना, ये सब गलत है। क्योंकि इस बिजनेस में ये इतना ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, प्रोडक्ट कंपनी ने दे दिए, मॉडल कंपनी ने दे दिया, सिस्टम कंपनी ने दे दिया, और आपको बता दिया कि आप अगर इतनी सेल पे पहुंच जाओगे तो इतने पैसे कमाओगे। नेगेटिविटी तब होती अगर उस सेल पे पहुंच के भी पैसे ना आते, या उस सेल पे कोई पहुंच ना पाता, या टीमें बना ना पाता कोई। जब लोग टीमें बना रहे हैं, इजीली टीम्स बन रही हैं, और हम लोग अगर कामयाब हो सकते हैं, कोई भी कामयाब हो सकता है। हम लोग, मैंने अकेले इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उस टाइम मैं अकेला था। आज हमारे बिजनेस में मैं भी डायमंड हूँ, मेरे साथ 11 और लोग भी डायमंड हैं, और कई सौ लोग इस बिजनेस से, हंड्रेड ऑफ पीपल इन दिस बिजनेस, इन माई ऑर्गेनाइजेशन मेक मनी थ्रू दिस बिजनेस। पैसे बनते हैं, सिंपल है, सेल होगी पैसे आएंगे। अगर कोई बंदा शॉप खोल ले और उसकी शॉप चलनी बंद हो जाए तो लॉस करता है, तो इसका मतलब नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ, उस बंदे से शॉप नहीं चली। अगर कोई बंदा फैक्ट्री खोलता है तो फैक्ट्री बंद हो जाती है, रेस्टोरेंट खोलता है तो रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। अगर कोई भी बिजनेस सेल नहीं कर पाएगा तो उसको तो बंद होना ही है। अगर कोई फैक्ट्री बनी और वो प्रोडक्ट नहीं बिका तो बंद होएगा। अगर स्कूल खोला और स्कूल नहीं चला, स्कूल बंद होएगा। अगर रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट नहीं चला, रेस्टोरेंट बंद होएगा। एमवे बिजनेस स्टार्ट किया, एमवे बिजनेस में सेल नहीं हुई, टीम नहीं बनी, एमवे बिजनेस बंद होएगा। नेगेटिविटी का क्या सवाल है? मॉडल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। कोई भी बंदा जो टीम्स बिल्ड कर सकता है, वो भी इतनी बड़ी नहीं, छोटी छोटी टीम। अगर आपकी टीम में 1-1 लाख रुपए की सेल भी होने लग जाए, आप 4 लाख रुपये पैसा कमाते हो। अगर आपकी टीम में 50-50 हज़ार की सेल भी होने लग जाए, आप 2 लाख रुपये पैसा कमाते हो। टीम बिल्ड करनी अलाउड है और सेल्स हो रही है। बिजनेस मॉडल काम करता है, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए काम नहीं करता। क्यों लोग फेल हो जाते हैं इस बिजनेस में? फेल होने के बड़े सिंपल से कारण। सबसे पहला कारण फेल होने का, इस बिजनेस में पूरी क्लैरिटी, पूरी कॉन्फिडेंस लिए बिना वो लोगों से बात करते हैं, लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनसे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, उनके पास होती नहीं, और उनको लगता है यार हमसे कोई गई नहीं। वो ये बात नहीं समझते कि आपसे आज नहीं हो रहा, अगर आप इस बिजनेस को सीख जाओगे तो इजीली हो जाएगा। क्योंकि ये बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस है, ये बिजनेस टीम बिल्डिंग का बिजनेस है, ये दूसरे बंदे को अपने साथ एसोसिएट करने का बिजनेस है। जब आप किसी दूसरे बंदे को प्रपोजल दोगे, वो क्वेश्चन तो पूछेगा, उसको तो क्लैरिफिकेशन चाहिए, उसको तो हर सवाल का जवाब चाहिए। अगर आप उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं करा पाओगे तो आपके साथ वो कैसे जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। और जब लोग नहीं जोड़ पाते हैं तो उन्हें लगता है कभी जुड़ेगा ही नहीं। प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती। मेरे पास लोग आते कहते हैं बिजनेस आपका यूजलेस है। मैंने कहा क्या हुआ भाई, मैंने ज्वाइन किया था चला ही नहीं। मैंने कहा आपने क्या किया था? मैंने बहुत जोर लगाया, मैंने बहुत लोगों से बात की। मैंने कहा अच्छा बैठो, मैं आपसे 5 सवाल पूछता हूँ। बोले पूछो। मैं कहता हूँ 3 सवाल होंगे प्रोडक्ट के ऊपर, 2 सवाल होंगे बिजनेस मॉडल के ऊपर। बोलते पूछो। मैं उनको 3 सवाल पूछता हूँ प्रोडक्ट के ऊपर, बड़े सिंपल से सवाल पूछता हूँ। जैसे किसी का लिवर खराब है, उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो हमारे कौन से प्रोडक्ट हैं जो उस केस में हेल्प करते हैं? ये तो मेरे को पता नहीं है। अच्छा मैं उनको और सवाल पूछता हूँ, बताओ जो एमवे का एसेड कपड़े धोने वाला प्रोडक्ट है, वो अगर 4 बंदों का एक फैमिली हो तो करीब करीब 1 महीने में कितने का पड़ता है? ये तो मेरे को पता नहीं है।
प्रोडक्ट आंसर नहीं दे पाते। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि मान लो एक बंदे ने चार टीम बनाई और चारों टीमों में 50,000 की सेल हुई और उसने 10,000 का कुछ सामान खरीदा, ये लो पेपर बताओ इसको कितने पैसे आएंगे, ये तो पता नहीं है। तो मैं पता क्या है, तो वो कहते तो आपने जोर कहाँ लगाया, ना जी असी तो बड़े लोगों के पीछे गए, हमने तो बड़ा जोर लगाया, मैं तो उसको भी बोला। बंदा ज्वाइन नहीं किया। अरे ज्वाइन करता ही क्यों, जब आप लोगों को क्लियरली कुछ बता नहीं पाओगे। व्हेन द टीचर इज रेडी स्टूडेंट अपीयर्स, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। कभी ऐसा होता नहीं है कि एक बढ़िया टीचर हो उसको अच्छा स्टूडेंट ना मिले। लोग अच्छे टीचर बनने की कोशिश नहीं करते, सीखने की कोशिश नहीं करते, बिल्ड करने की कोशिश नहीं करते। बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, बिना सीखे हुए बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। मेरी आपको सिर्फ इतनी सी एडवाइस है, इस बिजनेस में कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं है। पूरा रिस्क, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, मॉडल एकदम क्लियर है, लोगों के लिए काम कर रहा है। आपको सिर्फ समझना होगा, आप इसको समझ सकते हो, बहुत आसान है। हेल्प करने के लिए बैठे हैं लोग। सिर्फ पहला एक महीना ढंग से इस बिजनेस को समझो, अपनी रिसर्च करो, अपने नोट्स बनाओ, अपने सवाल पूछो। जो बंदा ज्यादा सवाल पूछता है अच्छा लगता है, 50 सवाल 100 सवाल पूछो, 100% अपना माइंड क्लियर करो। 100% माइंड क्लियर करके एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओ जब लोग आपसे सवाल पूछे आपके पास जवाब होना चाहिए, आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। एनीबॉडी कैन बिल्ड दिस बिजनेस एंड दिस बिजनेस इज अमेजिंग बिजनेस। दिस कैन हेल्प यू रियलाइज योर ड्रीम्स एंड यू कैन डू इट।